हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम मिनी। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 57, जहां पर हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब गुड का एक्टिव और मॉडल वर्ब गुड का पैसिव क्या होता है, इसमें सेंटेंस कैसे बनाए और कैसे बोले जाते हैं। हम फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अगर हमें गुड का एक्टिव सेंटेंस मिल रहा है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करें, या फिर पैसिव का सेंटेंस हो तो उसको एक्टिव में कैसे बदला जाएगा। अगर बात गुड की जा रही है तो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में कभी गुड का एक्टिव पहले से ही पढ़ के रखा है, जिसकी हिंदी यहाँ पर क्या थी, सकता था, सकती थी और सकती थी। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या रखना था, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चाहे जो भी रहा हो हमें क्या रखना होगा यहाँ पर गुड। ये कुड क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए हमें हमेशा कुड की जरूरत पड़ती है। और सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, कुड रखने के बाद हमें क्या रखना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हमें क्या ऐड कर देना होगा, ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्या कुड के पैसिव सेंटेंस की, तो आप यहाँ से देखिए कि इसकी पहचान मैंने यहाँ पर क्या लिखी है, जा सकता था, जा सकती थी और जा सकती थी। जहां पर ये जा सकता था, जा सकती थी या फिर जा सकते थे, वर्ब के बाद में अलग से लिख के आएगा, यहाँ पर जाना हमारी वर्ब बिल्कुल नहीं होगी। एक एग्जांपल इसको सुन के ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैंने आपसे कहा मम्मी के द्वारा ताजा भोजन बनाया जा सकता था, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, पैसिव का हो गया। यदि मैंने आपसे कहा होता कि पापा के द्वारा पैसा जमा किया जा सकता था, तो सेंटेंस फिर से कहा हो गया हमारा, पैसिव का। यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती थी, तो फिर से सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, पैसिव का। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ताजा भोजन बनाया जा सकता था, पैसा जमा किया जा सकता था, अंग्रेजी बोली जा सकती थी, तो जमा किया जा सकता था, बनाया जा सकता था या बोली जा सकती थी, वर्ब के बाद ही जा सकता था लिख के हर कंडीशन में आया हुआ है। तो वर्ब के बाद जब जा सकता था लिख के आएगा, तो सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, पैसिव का। अब बात अगर पैसिव सेंटेंस की जा रही है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा माइंड कीजिए। सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, कुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। और सेंटेंस का ये पार्ट यानी बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये फिक्स रहेगा, इसे किसी भी स्ट्रक्चर में आपको नहीं बदलना है। और बात अगर नेगेटिव सेंटेंस की हो रही है, तो हमें जो नॉट है ना, वो कुड और बी दोनों के बीच में ऐड करना होगा, यानी कुड के ठीक बाद हमें क्या लगाना होगा, नॉट। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, हमें क्या करना होगा, कुड को ऑब्जेक्ट के पहले रखना होगा। अब फ्रेंड्स इसमें एक एग्जांपल देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा होता कि मम्मी के द्वारा ताजा भोजन बनाया जा सकता था, तो क्या बता सकते हो ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, एक्टिव का है कि पैसिव का, बताइए पहले। अभी सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, पैसिव का हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि मम्मी के द्वारा ताजा भोजन बनाया जा सकता था। अब इस सेंटेंस को अगर मुझे बनाना होगा तो मैं कहाँ से बनाऊंगा, पैसिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करके, यानी सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारी जो वर्ब थी वो क्या थी, बनाना, और मैंने आपसे कहा कि क्या बनाया जा सकता था, तो आंसर क्या आएगा, ताजा भोजन। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ताजा भोजन। और सबसे पहले आपको इसी की अंग्रेजी बनानी होगी, तो हमें यहाँ पर इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए क्या लिखना है, यहाँ पर फ्रेश फूड। फ्रेश फूड का मतलब हो गया ताजा भोजन। अब इसके ठीक बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या रखना होगा, कुड बी। ये होगी हमारी क्या, सहायक क्रिया। और इसके ठीक बाद में रखनी है क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब हमारी यहाँ पर क्या थी, बनाना, और बनाना के लिए हम यहाँ पर कुक या फिर मेक, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको माइंड ये करना है कि हमें रखनी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, फ्रेश फूड कुड बी कुक्ड, और बाय के बाद यहाँ पर हमें क्या ऐड करना होगा, मम्मी। बस बन गया हमारा पूरा स्टेटमेंट कि फ्रेश फूड कुड बी कुक्ड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा ताजा भोजन बनाया जा सकता था। और फ्रेंड्स अगर इसी सेंटेंस को मुझे एक्टिव करना होगा, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि मम्मी ताजा भोजन बना सकती थी। और अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव हो गया है, तो एक्टिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या रखना होगा, सब्जेक्ट रखना होगा, और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन हो गया, मम्मी। तो यहाँ पर मम्मी को फिर से ऐड करते हैं सब्जेक्ट के रूप में।
इसके ठीक बाद यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या होगी हमारी कुड। अब हमें रखनी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या होगी कुक, और लास्ट में क्या ऐड करना होगा ताजा भोजन, जिसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेश फूड। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है कि मम्मी कुड कुक फ्रेश फूड, मम्मी ताजा भोजन बना सकती थी। अब फ्रेंड्स अगर बात नेगेटिव सेंटेंस की जाए और मैं आपसे कहूं कि मम्मी ताजा भोजन नहीं बना सकती थी, अगर सेंटेंस में कहीं इस प्रकार का नहीं लिख के आ गया है तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, नॉट को ऐड करना है और क्या करना होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, मम्मी कुडेंट या फिर मम्मी कुड नॉट कुक फूड, मम्मी कुडेंट, मम्मी कुडेंट या फिर मम्मी कुड नॉट कुक फ्रेश फूड, मम्मी ताजा भोजन नहीं बना सकती थी। और अगर इसी सेंटेंस को अगर मुझे पैसिव करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मम्मी के द्वारा ताजा भोजन नहीं बनाया जा सकता था। यहां पर भी हमें कुछ नहीं करना है, इस कुड और भी दोनों के बीच में नॉट को ऐड कर दीजिए, बन गया हमारा पूरा सेंटेंस, फ्रेश फूड कुड नॉट बी कुक्ड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा ताजा भोजन नहीं बनाया जा सकता था। और फ्रेंड्स अगर इस सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो जाए और मैं आपसे कहूं क्या मम्मी के द्वारा ताजा भोजन बनाया जा सकता था, तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस कंडीशन में हमें करना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के पहले रखना होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, कुड फ्रेश फूड बी कुक्ड बाय मम्मी, क्या मम्मी के द्वारा ताजा भोजन बनाया जा सकता था। और इसी पैसिव सेंटेंस को अगर मुझे एक्टिव करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि क्या मम्मी ताजा भोजन बना सकती थी। अभी भी आपको कुछ नहीं करना होगा, इस कुड को उठाना होगा और कुड को क्या करना होगा, सब्जेक्ट के पहले यानी मम्मी के पहले यहाँ पर ऐड कर दीजिए और सेंटेंस क्या बनेगा कि कुड मम्मी कुक फ्रेश फूड, क्या मम्मी ताजा भोजन बना सकती थी। अब फ्रेंड्स बात अगर प्रैक्टिस की जाए तो कुछ नहीं करना होगा आपको, कुछ सेंटेंस लेने होंगे एक्टिव के, उन्हें पैसिव करना होगा और पैसिव का सेंटेंस होगा तो उसे आपको क्या कर देना होगा, एक्टिव। तो अगर मैंने आपसे कहा होता कि आई कुड टीच यू, तो हिंदी क्या होगी कि मैं आपको पढ़ा सकता था, और पैसिव क्या बनेगा, यू कुड बी टॉट बाय मी, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा सकता था। अगर मैं आपसे कहूँ कंप्यूटर कुड बी रिपेयर्ड बाय यू, तो हिंदी क्या होगी, आपके द्वारा कंप्यूटर सुधारा जा सकता था, और यू कुड रिपेयर कंप्यूटर, और हिंदी क्या हो जाएगी कि आप कंप्यूटर सुधार सकते थे। अगर मैं आपसे कहूं कि सी कुड टीच मी, तो हिंदी क्या होगी कि वह मुझे पढ़ा सकती थी, एंड आई कुड बी टॉट बाय हर, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जा सकता था। मम्मी कुड डिपॉजिट मनी, तो मम्मी पैसा जमा कर सकती थी, मनी कुड बी डिपॉजिटेड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा पैसा जमा किया जा सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाय मी, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती थी। वेयर कुड दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल कहाँ खेल सकते थे, एंड वेयर कुड फुटबॉल बी प्लेड बाय देम, उनके द्वारा फुटबॉल कहाँ खेली जा सकती थी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।